Hi, welcome to another video. This is Pavan and you're watching I Am Indian. So आज की जो अप्रोच है थोड़ी सी कैजुअल है बिकॉज रेट्स भी कैजुअली बढ़ रहे हैं. सो 6 एकड़ का लैंड पार्सल है, फुली पेड अप लैंड है, day 1 से SBI अप्रूव्ड है. प्रोजेक्ट इज नेम्ड SK डेस्टिनी 1 और लोकेशन है जीटा 1. सो जो लोग परी चौक से फेमिलियर हैं वहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 5 मिनट्स की ड्राइव है. 3 अप्रोच आती हैं. सो आज से अगर 10 साल पहले की बात करें तो सिर्फ एक ही अप्रोच थी, परी चौक से लेफ्ट LG चौक, उसके बाद फिर अगेन जीटा सेक्टर की तरफ. यहाँ तक पहुँचने के 2 और अप्रोच हैं. अगर आप 130 मीटर रोड से आ रहे हैं यानी नोएडा एक्सटेंशन से आ रहे हैं तो उसी रोड से आपको जीटा सेक्टर में जहाँ पर पैरामाउंट गोल्फ फॉरेस्ट है वहाँ तक आना है. उसके बाद आपको राइट में ये वाला सेक्टर पड़ता है. दूसरी एक और अप्रोच रोड है अगर आप नोएडा एक्सटेंशन में सूरजपुर रोड से आ रहे हैं. तो सूरजपुर रोड से अगर आप आ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आप ATS वाले राउंड अबाउट पर ही पहुँचेंगे. इस सेक्टर में ऑलमोस्ट 8 साल के बाद कोई प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है. SKA के डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स की बात करें तो ग्रीन मैंशन, स्काडी ग्रीन्स, SKA ग्रीन आर्क और SKA मेट्रोविल जैसे प्रोजेक्ट शुमार हैं. सभी प्रोजेक्ट्स में एक बात कॉमन है, सारे प्रोजेक्ट्स टाइम से 1 साल पहले डिलीवर हुए हैं. और इनके इनफैक्ट जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट हैं जिसमें SKA दिव्या डावर और SKA ओराइन अगेन रेसिडेंशियल कैटेगरी में आते हैं वो भी टाइम से पहले ही चल रहे हैं. इनके मोस्टली प्रोजेक्ट्स SBI अप्रूव्ड होते हैं इसीलिए जो बायर्स हैं उनका विश्वास थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है. इस सेक्टर में जिस प्राइस में इन्होंने लॉन्च किया है वो एंड यूजर के पर्सपेक्टिव से थोड़ा ज़्यादा लग रहा है बिकॉज एडजॉइनिंग प्रोजेक्ट्स में ऑलमोस्ट सेम रेट पर रेडी टू मूव इन के ऑप्शंस अवेलेबल हैं. सो रीसेल माइट अट्रैक्ट न्यू बायर्स सीकिंग अ प्रॉपर्टी इन द सेम सेक्टर, बट जिन बायर्स की प्लानिंग 3 साल आगे की है उनके लिए एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है. प्रोजेक्ट में सिर्फ 3 और 4 BHK कैटेगरी है. सो 6 एकड़ के लैंड पार्सल में सिर्फ 3 रेसिडेंशियल टावर्स होंगे और 645 यूनिट्स प्लान्ड है. प्रोजेक्ट का फ्रंट टावर जिसका नाम अल्फा है इसमें सिर्फ 4 BHK कैटेगरी को ये टारगेट कर रहे हैं. यहाँ पर हर फ्लोर पे 4 फ्लैट और 4 लिफ्ट रहेंगी. अल्फा टावर में एक ही टाइप के फ्लैट साइजेस अवेलेबल होंगे जिसका सुपर एरिया 3007 स्क्वायर फीट है और कारपेट एरिया आता है 1780 स्क्वायर फीट. इस टावर के सभी फ्लैट्स की फ्लोर टू फ्लोर हाइट 12 फीट रहेगी और सारे फ्लैट्स कॉर्नर फ्लैट होंगे. रिमेनिंग के 2 टावर्स जिनका नाम बीटा और गामा है इसमें सिर्फ 3 BHK वेरिएंट्स को टारगेट किया जा रहा है. यहाँ पर फ्लोर टू फ्लोर हाइट 11 फीट रहेगी और इन टावर्स में हर फ्लोर पर 8 फ्लैट और 6 लिफ्ट्स प्लान्ड है. स्टार्टिंग ऑप्शन फॉर अ 3 BHK 3 टॉयलेट वुड बी 1603 स्क्वायर फीट जिसका कारपेट एरिया 933 स्क्वायर फीट आता है. नेक्स्ट ऑप्शन वुड बी 1757 स्क्वायर फीट जिसका कारपेट एरिया 1041 स्क्वायर फीट आता है. इसमें एक स्टोर रूम का इजाफा हो जाता है और प्रीवियस साइज के कंपैरिजन में रूम डायमेंशंस बढ़ जाते हैं. 3 BHK का जो लास्ट लेआउट है ये सबसे बड़ा वेरियंट है बिकॉज इसके अंदर एक स्टाफ क्वार्टर और अटैच वॉशरूम का इजाफा हो जाता है अलॉन्ग विद अ बे विंडो जो एक यूनिक सेलिंग पॉइंट है इस 3 BHK का. हाल फिलहाल में अगर इस प्रोजेक्ट को कंपेयर करना हो तो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं जो इसी प्राइस रेंज के अंदर लॉन्च हुए हैं. अगर इस सेक्टर की प्राइस एनालिसिस करें तो हाल फिलहाल में यहाँ पर जो लास्ट प्रोजेक्ट डिलीवर हुआ है दैट इज़ ATS डॉल्चे, इसका एडजॉइनिंग प्रोजेक्ट है, नेबरिंग प्रोजेक्ट है. इनफैक्ट आप पीछे देख भी पा रहे होंगे तो अभी तक यहाँ पर जो प्राइस एक्सेप्टेंस थी वो 3000 रुपये से 7500 रुपये तक की प्राइसिंग गई थी पिछले अगर 5 साल की प्राइसिंग की अगर हम बात करें. लेकिन अब जो प्रोजेक्ट ये लॉन्च हो रहे हैं 8000, 9000 और इनफैक्ट 10,500 या 12,000 रुपये पे तो कहीं ना कहीं देखें तो जो नंबर ऑफ होम बायर्स हैं, जो एक्चुअल होम बायर्स हैं वो कम होते जा रहे हैं. बिकॉज वी रिसेंटली डिड अ सर्वे जिसके अंदर हमने ऑलमोस्ट 10 लाख रुपये से लेके 20 लाख रुपये तक का जिनका एनुअल पैकेज है उनसे ये क्वेश्चन पूछा कि आज के टाइम में अगर वो घर खरीदना चाहते हैं तो कौन कौन से पॉसिबल ऑप्शन हैं जिसके अंदर वो घर खरीद सकते हैं. मोस्टली लोगों ने कहा कि आज के टाइम में एक 3 BHK एक एवरेज होम बायर के बजट से बहुत ज़्यादा बाहर हो चुका है. फिर भी लोगों की मजबूरी है बिकॉज उनको सेटल होना है इसीलिए कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी. सो जो लोग शुरुआत कर रहे हैं आज के टाइम में और 3 से 4 साल का वेट कर रहे हैं उनके लिए 9 से 10 हज़ार रुपये में क्या क्या पॉसिबल ऑप्शंस हैं आज के टाइम में. अगर नोएडा एक्सटेंशन को देखें तो जितने भी न्यू लॉन्च हैं वो सेक्टर 10 और 12 के अंदर हुए हैं. सो सेक्टर 10 के अंदर भी अगर देखें तो वहाँ पर एलाइट X नाम से एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, वहाँ पर भी प्राइजिंग 9000 रुपये है. एल्डेको
का रीसेंट लॉन्च सेक्टर 12 के अंदर, वहाँ पे भी 9,000 से 10,500 रुपये की प्राइसिंग थी। और इसके अलावा उस सेक्टर में जो कुछ और डेवलपर्स हैं जो पुराने टाइम से काम कर रहे हैं, मतलब 6 महीने पहले से काम कर रहे हैं, जैसे ब्रुक्स रिवोल्ट, और इसके अलावा अगर देखें तो स्प्रिंग एलमस आने वाले टाइम में, वहाँ पर महागुन का भी एक नया प्रोजेक्ट आने वाला है, तो ये भी मोर और लेस 7,500 से 9,500 रुपये के बीच में ट्रेड हो रहे हैं। ये वाला प्रोजेक्ट जो शुरू हुआ है, अगेन यहाँ पर 9,000 रुपये का बेसिक प्राइस है एज ऑफ May 2024 फॉर 3 BHK कैटेगरी। 9,500 रुपीज़ इज़ द बेस प्राइस फॉर 4 BHK कैटेगरी। पहले क्या होता था, रियल एस्टेट के अंदर सिर्फ बुजुर्ग ही आया करते थे, बिकॉज वो बिलीव करते थे कैश डाउन पेमेंट पे, तो जब पैसा होगा तभी हम घर खरीदेंगे। लेकिन अफोर्डेबिलिटी के चलते और यंग स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स के आने की वजह से बहुत सारे लोग जो अपने 20s में हैं, वो भी एक ड्रीम हाउस और इनफैक्ट लग्जरी हाउसिंग का सपना लेकर आ रहे हैं। तो अगर आप भी इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यू कैन गिव अस अ कॉल एट द नंबर मेंशन बिलो, बिकॉज वी विल नॉट ओनली हेल्प यू इन फाइनलाइजिंग द प्रोडक्ट, बट हम इसके साथ साथ आपको एडवाइजरी भी प्रोवाइड करेंगे कि इस प्रोजेक्ट में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, किस प्रोजेक्ट के अंदर आपकी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट मीट कर रही है, बिकॉज वी अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन एंड वी आल्सो अंडरस्टैंड द इमोशंस बिहाइंड बाइंग योर फर्स्ट अपार्टमेंट। सो आज के लिए गाइस बस इतना ही। दिस इज़ पवन सैनी साइनिंग ऑफ फॉर द डे। आई विल सी यू गाइस टुमारो। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।